कमेंट्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस पे, तो आज हम ओनली क्लच के बारे में ही जानेंगे। होता क्या है, क्लच आधा कैसे छोड़ा जाता है, क्लच पूरा क्या होता है, 20% क्या होता है, ऐसे कमेंट्स मेरे वीडियोस पे आ रहे हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा हाफ क्लच क्या होता है और कैसे छोड़ा जाता है। देखिए, अभी ये क्लच पे पैर ऐसे रख रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा साइड में रखूँगा पैर। देखिए, ये ऐसे दबाया, एडी बिना उठाए, और मैं और क्लच उठाते समय ऐसे उठा रहा हूँ, देख सकते हो आप। ये देखो, एडी नहीं उठ रही है मेरी, और ये क्लच मैंने हाफ छोड़ा है। अब ये फिर से अंदर दबा दिया क्लच, फिर से ये हाफ उठाया, मेरी एडी नहीं उठ रही है। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, गलतियाँ, ये पैर ऐसा रखते हैं, एडी भी चिपका के रहती है वैसे भी, लेकिन वो लोग ऐसे उठाते हैं। ये देखो, ये गलत तरीका है दोस्तों। आप जब दबाओगे तो ये ऐसा पैर उसके साथ जाएगा, फिर एडी उठ जाएगी आपकी, तो ये गलत तरीका है, इसमें आप ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ये मैं पैर रख रहा हूँ, और पैर कैसे रखा जाता है ये भी बताऊँगा। देखिए, ये बहुत बिगनर क्या करते हैं, ये पैर ऐसे रखते हैं, ये देखो आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा साइड में रख रहा हूँ। देखिए, ये ऐसे रखते हैं, फिर ये ऐसे दबाते हैं, फिर छोड़ते समय है ना, ये ऐसे उठाते हैं, तो ये अपना क्लच का जो पेडल है वो सेंटर में आ गया, एडी और टो के बीच में आ गया। ये गलत तरीका है, और जो सही तरीका है दोस्तों, देखिए ये पैर को है ना, ऐसे मैं टो रखा, एडी उसके साथ साथ आगे जा रही है, फिर मैं छोड़ूंगा तो उसके साथ साथ पीछे आ रही है पैडल के साथ साथ, ठीक है। और एक ईजी तरीका बताता हूँ, देखिए ये मैं उठा रहा हूँ, आपको हाफ क्लच का बता रहा हूँ, ये हो गया हाफ क्लच। जब आपको अंदर दबाना है ये ऐसे दबाना है, फिर हाफ छोड़ना है ये ऐसे छोड़ना है। ये मैंने एडी को नहीं उठाया, एडी उठाएंगे तो गाड़ी बंद पड़ेगी दोस्तों, इस पर ध्यान रखना है। और 20% होता है ये इतना, और पैर को है ना टो ही रखना है आप पेडल पे, पूरा इतना ऊपर नहीं लेके जाना है, ना कि अंगूठा रखना है, ये भी गलत तरीका है, ठीक है। पूरा क्या होता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा हाफ क्लच क्या होता है और कैसे छोड़ा जाता है। देखिए, अब ये मैं क्लच पे पैर ऐसे रख रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा साइड में रखूँगा पैर। देखिए, ये ऐसे दबाया, एडी बिना उठाए, और मैं और क्लच उठाते समय ऐसे उठा रहा हूँ, देख सकते हो आप। ये देखो, एडी नहीं उठ रही है मेरी, और ये क्लच मैंने हाफ छोड़ा है। अब ये फिर से अंदर दबा दिया क्लच, फिर से ये हाफ उठाया, मेरी एडी नहीं उठ रही है। बहुत से बिगनर्स क्या करते हैं, गलतियाँ, ये पैर ऐसा रखते हैं, एडी भी चिपका के रहती है वैसे भी, लेकिन वो लोग ऐसे उठाते हैं। ये देखो, ये गलत तरीका है दोस्तों। आप जब दबाओगे तो ये ऐसा पैर उसके साथ जाएगा, फिर एडी उठ जाएगी आपकी, तो ये गलत तरीका है, इसमें आप ध्यान दीजिए, ठीक है।